मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा राणा सनावला का बताओ। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। दुनिया में पहला कत्ल किसका हुआ था बताएं आप? आपको याद होगा ये जब दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद उनकी औलाद आई, तो पहला कत्ल कौन हुआ था? याद है ना आपको? हाबील का बील का वाकया सबको याद है। दूसरा कत्ल कौन हुआ था याद? तीसरा कौन हुआ था याद है? किसी को नहीं याद कि दूसरा आदमी कौन कत्ल हुआ इस जमीन पे, तीसरा कौन? जब ये नून लीग या पीपल पार्टी के साथ होगा ना तो ये दूसरी दफा होगा। जैसे दूसरा कत्ल किसी को याद नहीं है ना तो इसकी फिर वो बात नहीं रही। मैं तो ये नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता था, पर्चे दे दे के वालिद का पता है और वो चीज़ मुझे तकलीफ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊँगा जिंदा या मुर्दा। तो बाद लगता था कि बस गाड़ी मुक गई है, अब यहाँ से आगे क्या चलेगा। मैं भी इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के रास्ते नहीं चुराए हुए। खवातीन कह दी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इमरान रियाज़ खान एक सच्चा और दिलेर साहबी है और सच बोलने की वजह से इमरान रियाज़ खान ने बहुत सी सज़ाएँ भी काटी हैं। 142 दिन तक इमरान रियाज़ खान को अगवा करके इस पर तशद्दुद किया जाता रहा और रहा होते ही अब इमरान रियाज़ खान का पहला इंटरव्यू आया जिसमें इमरान रियाज़ खान ने बड़े इंकशाफात किए कि किन लोगों ने इनको अगवा किया और कैसे कैसे इन पर तशद्दुद किया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। लिए तो मुझे ये भी याद है कि अंकल ने ये भी कहा कि चलो मेरा बेटा जो है वो जहाँ पे है अल्लाह उसको हिफाजत में रखे, लेकिन कम अज़ कम अदलिया को जो है वो ख़वातीन कैदियों के लिए जो है पाकिस्तान में हर सूरत जो है वो अपना अहम किरदार अदा करना होगा। तो मुझे अंकल की ये बात याद है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है ख़वातीन कैदियों के बारे में? खबरों से कुछ अर्सा दूर भी रहा, लेकिन जब मैं इन हुआ तो मुझे ये जब चीज़ पता चली तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। ये तो हुआ ही नहीं कभी, ये तो नहीं हुआ कभी। अब वो ख़वातीन है, वो बच्चों वाली भी हैं बीच में, वो उनके बच्चे उनसे दूर मिल नहीं पा रहे, फिर एक केस में वो निकलती हैं, दूसरे में वो गिरफ्तार हो जाती हैं, फिर वो निकलती हैं, फिर तीसरे में गिरफ्तार। एक टाइम में एक लड़की या एक औरत इतनी सारी जगहों पे कैसे हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। सेम टाइम में वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, और फिर यानी जितनी तबाही औरतों पर डाली हुई है ना, इतनी तो दहशतगर्द नहीं फैला सकते या आतंकवादी ये नहीं कर सकते, जो इंडियन की जबान में कि इतना टेरर तो आतंकवादी नहीं फैलाते जितना वो लड़कियों ने फैला दिया। अब ये नई चीज़ है और ये जो पैटर्न सेट हो रहा है ना, ये परेशानी की बात है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया में पहला कत्ल किसका हुआ था बताएं आप? आपको याद होगा ये जब दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद उनकी औलाद आई, तो पहला कत्ल कौन हुआ था? याद है ना आपको? हाबील का बील का वाकया सबको याद है, एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया और फिर कैसे दफन किया। दूसरा कत्ल कौन हुआ था याद? तीसरा कौन हुआ था याद है? किसी को नहीं याद कि दूसरा आदमी कौन कत्ल हुआ इस जमीन पे, तीसरा कौन कत्ल हुआ, चौथा कौन हुआ, बारहवां कौन हुआ, चौदहवां? पहला कत्ल सबको याद रहता है। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया, ये आप मानते हैं? ये याद रखा जाएगा। ये जिस जिसके साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना, क्योंकि एक जगह पे एक पैटर्न सेट हो रहा है। बेडरूम में भी घुसा जा सकता है, औरतों के ऊपर टॉर्चर भी हो सकता है, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको गालियां भी दी जा सकती हैं, उनको लंबे अरसे तक ज्यादा केसेस में गिरफ्तार भी करके रखा जाता है। ये एक पैटर्न सेट हो रहा है इस मुल्क में। जब ये नून लीग या पीपल पार्टी के साथ होगा ना तो ये दूसरी दफा होगा। जैसे दूसरा कत्ल किसी को याद नहीं है ना तो इसकी फिर वो बात नहीं रहेगी। वो कहेंगे ऑब्वियसली यार, पहले एक के साथ हुआ है, दूसरे के साथ भी हो गया, तीसरे के साथ भी हो, नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें। ये उनके लिए सोचने की और फिक्र करने की बात है कि क्या सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक हाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आसान लफ्जों में ये है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी मुश्किल बना रहे हैं कि ये सब हो सकता है भैया, गेट रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये हो चुका है। पहली दफा ये चीज़ मुश्किल लगती है ना, जब रजिस्टर्ड होती है इनके साथ हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है कि जी बच्चों वाली माओं को भी ये अलग किया जा सकता है, औरतों पर एक वक्त में ज़्यादा मुकदमे भी बन सकते हैं, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको तशद्दुद भी किया जा सकता है, उन्हें लंबे लंबे अरसे तक ऐसे हालात में भी रखा जा सकता है। तो ये पहली दफा हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है, दूसरी दफा नहीं होना।
फ्यूचर प्लान्स क्या रखे हैं? क्या प्लान है मेरा अल्लाह जानता है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। जिस दिन काम करूँगा उस दिन की जो स्टोरी होगी उस पर बात करूँगा बस। इमरान, बदलते वक्त और हालात के साथ कभी ये एहसास हुआ कि मुमकिन तौर पर कोई अपने पार्ट पर भी गलतियाँ हैं, कोई कुछ ना कुछ गैर जिम्मेदारी का माजी में मुजाहरा हुआ है, कुछ मजीद रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना चाहिए? यार बात यह है कि सब कुछ बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही। मैं अपनी ओपिनियन खुल के देने की मुझे आदत है बस, अपनी ओपिनियन तू खुल के दे ही ना कभी भी, और जैसे बात करता है वैसे बात ना कर। अब मैंने ऐसे ही सीखा, मैं जब छोटा था ना तो कभी पूछा ना किसी ने अम्मी अच्छी है या अबू, तो उस दिन जो अच्छा लगता था मैं कहता था ये। मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों, हमारे बच्चे करते हैं ना ये कभी कभी, मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि ये अच्छा है ये आज नहीं अच्छा लग रहा या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा। ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री वो मेरे से नहीं होता, मैं तेरा क्लैरिटी के साथ ही। अली देख ये अच्छी तरह याद है मुझे, जो चीज़ बुरी लगती थी मैंने हमेशा तेरे भाई मुंह पे बताया बताया कि ये बुरा है भाई, साफ हो ही रही है हमेशा का। नाराज भी हुआ कई दफा, 100% और भी दोस्त नाराज हुए 100%। कई जगहों पे ऐसा हुआ कि मेरी वजह से फटा भी हो गया। हाँ भाई तेरा भी फटा हो गया मेरी वजह से। मैंने साफ बात की कि नहीं यार ऐसे नहीं है, ये ऐसा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है वो जानना चाहते हैं। कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा, हम जानते हैं पहचानते हैं बट लोग लाजमी तौर पर ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था। डिफरेंट उसमें है, यानी उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है तो ज़्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया इसको, यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता उतना, तो ये चीज़ मुझे शायद ज़्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज़्यादा आई? याद तो अल्लाह की आई सबसे ज़्यादा, और अल्लाह की याद होती है हर जगह पे। जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह होता है, आप उसकी याद आती है सबसे पहले कि या अल्लाह तूने ही हमेशा लाज रखी है, तूने हमेशा इज्जत भी रखी है, तूने हमेशा फ़ायदा भी दिया और तूने ही हमेशा हिफाजत भी की है। ज़िंदगी देने वाला भी तू है, पालने वाला भी तू है, संभालने वाला भी तू है, हिफाजत करने वाला भी तू है, तेरे पास ही पेश होना है दोबारा, हिसाब लेने वाला भी तू है और माफ़ करने वाला भी तू है, तकदीर का लिखने वाला भी तू है और उसको मिटा देने वाला भी तू है, बदल डालने वाला भी तू है, वालिद का पता है। और वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती थी, मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊँगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूँ, मैं उनकी आदत जानता हूँ, मुझे पता है उनका, मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। सोचा था कि ये हो जाएगा? हाँ पता था, ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा? ये आइडिया नहीं था मुझे, ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पर मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है। तो क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम ने और ख़ासकर ओवरसीज पाकिस्तानी ने, जितने पाकिस्तानीज हैं ओवरसीज, देर आर अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस लेवल पे, किस हद तक और किस तसलसल के साथ जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद की है इमरान रियाज के लिए? ये अंदाज़ा है कि मैं इसमें पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों के वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, और उसमें बेशुमार बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बेशुमार बुज़ुर्ग जो हैं वो मर्द हैं, और उन्होंने रो रो के जो है वो मुझे वॉइस मैसेजेस किए हैं और ये कहा है कि हमने अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे हाजत मांगी है कि अल्लाह इमरान रियाज जो है वो हमारे पास वापस आए। बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते। मैंने बड़ा डिटेल में, मुझे मौका मिला कुरान पाक पढ़ने का, मैंने पहले भी तफसीर पढ़ी है फिर दोबारा पढ़ी है। एक गज़वा अहज़ाब था जिसे हम गज़वा खंदक भी कहते हैं, कुरान पाक की एक सूरत में उसका पूरा वो जिक्र है। तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे लेकिन मफहूम मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी, और अगर तुम दुनिया भर की दौलत भी खर्च कर देते ना तो ये नहीं कर सकते थे। तो बात लगता था कि बस गाड़ी मुक गई है,
अभी यहाँ से आगे क्या चलेगा, आपके सामने था, मैं जिंदा लाश की तरह ही था जब आपको पहले दिन मैं मिला हूँ, तो इससे भी गई गुजरी हालत मेरी रही है। तो वो मुझे बातों का लगा कि नहीं बस यहाँ तक ही थी कहानी, इसके बाद कोई और लिखेगा, इसके आगे मैं नहीं चलाऊंगा। दिल में और रब जाने उसका काम जाने, काम जाने, यानी आप अपना नाम ही ना सुने अगर इतना अर्सा कोई आपको आपके नाम से बुलाए ही ना। जब मुझे मैं घर आया तो मुझे मेरे नाम से जब बुलाया मुझे बड़ा अजीब उस दिन लगा। मेरे अम्मी अबू से मैं मिला तो मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसे वापस आ जाएगा, मुझे ये फील हुआ उनसे मिलने के बाद। तो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई मुझे ऐसा लगता था कि लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे हक बात के लिए कि भी बंदा किधर गायब हो गया, मुझे लगता था कि लोग आवाज़ उठाएंगे, दुआ करेंगे, ये तो मुझे पक्का पता था कि लोग बहुत दुआ करेंगे, आवाज़ उठाएंगे मुझे ये भी पता था, किस लेवल पे उठाएंगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे मेरी वाइफ ने, कुछ मेरे घर वालों ने, कुछ दोस्तों ने, मेरी टीम के लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई कि ये बाद में लोगों का रद्दमल था। तो जिन लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो जो पाकिस्तान के लीड एंकर पर्सन हैं जिनसे सख्त नज़रियाती इख्तलाफ रहा है भी और रहेगा भी, उनमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैंने बजाते खुद मुशाहिदा किया थ्रू आउट यू नो दिस एंटायर पीरियड ऑफ, इसका कोई जस्टिफाई इसको कर ही नहीं सकता कोई भी हो। यानी जब मुतीउल्ला जान को उठा के हाइप किया गया तो मैंने शोर मचा दिया था, उस वक्त मेरा सख्त उनसे इख्तलाफ है सख्त। अब सार आलम को जब गोली लगी तो मैंने उस पर रोला डाल दिया था कि भाई ये कैसे हो सकता कि इस्लामाबाद के पोश एरिया में बंदे को गोली मार के चले गए, अगर पकड़ नहीं सकते तो फिर अपने ऊपर दो ये ब्लेम। इस मौकफ़ की मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी उस वक्त, जिस को घर में मारा एक बच्चे को उसको बड़ी ज्यादती की, उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। तो बात यह है कि इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का टाइम चल रहा है, उससे पहले भी जो है वो डिफरेंट टाइम्स था गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में बेशुमार ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जिनकी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं। आई मीन उस वक्त के जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके बाद जितनी भी ये इनकमेंट गवर्नमेंट जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके जितने जिम्मेदारान हैं, कुछ ऐसी एक सियासी जमात भी है जिसके जिम्मेदारान जो हैं साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। किसी ने कहा कि मैं तो इमरान रियाज को जानता ही नहीं हूँ, जबकि आपके इंटरव्यू जो है वो उनके साथ थे। फिर कुछ ऐसे हैं जो कहें वज़ीर दाखिला कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे हैं। क्या ये वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, इनको इस तरह की बातें जो है वो ज़ेक देती हैं? अच्छा, मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्लाह साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला, उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश कर जाता है तो आप क्यों। मैंने कहा जी यहाँ राणा सनाउल्लाह ठीक है, ये केस गलत बनाया आपने, गलत केस है। तो मैंने आवाज़ उठाई, राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है, राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग के राणा सनाउल्लाह अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछालेंगे। चले, हर एक का अपना अपना ज़र्फ है, उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा भैया राणा सनाउल्लाह का बताओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा दावा था। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनाउल्लाह का बताओ और किसी का नहीं। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में लाइलमी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता, मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, तो वो राणा सनाउल्लाह ने। लेकिन वो फिर राणा सनाउल्लाह ने मेरी टीम से रब्ता किया, अभी थोड़ा सा पहले रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो उन पर कुछ बुरा ना मनाया जाए, तो उस पर वो थोड़े उनको नदामत थी। हर कोई इतना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। राणा सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो कहते हैं मेरे बस में ही कुछ नहीं था, कमज़ोर थे, कोई नहीं, खैर है। लेकिन अगर आप कमज़ोर थे तो आप अपना चुप रह सकते हैं, कीचड़ उछालना या किसी को गंदा करना ये गैर ज़रूरी था, गैर ज़रूरी था। आप बताएं क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ लड़ के आपको आइडिया हो गया। इधर आज मैं आया हूँ तो 12 साल ही बैठे हुए थे आपके पास, वो क्या बताते हैं आपको? क्या आप मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहे हैं? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं? मीडिया आजाद नहीं है पाकिस्तान में, मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था। तो उनसे मैं क्या गिला करूं, वो मजबूर हैं। देखें
मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफ़ी परेशान थे, वो वहाँ मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3,000 बंदे की नौकरी दाव पे लगवा दूं? दो ऑप्शन होती हैं ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हज़ार बंदा बेरोजगार, दूसरा ये है कि ये आप एक दो बंदे निकल जाएं, खैर है चलो जी गए अपने घर, तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए, मुमकिन नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, लेकिन रुकना तो है नहीं, आई भी है, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं, और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने। इमरान, सदीदा सवाल है, 4 नौकरियाँ चली गई हैं एक के बाद एक, इंतजामी तौर पर बहुत सी, तो कारोबार भी तबाह हो गया, वो तो हुआ। सो 4 नौकरियाँ गईं, दर्जनों पर्चे भुगते, फिर 4-6 महीने का ब्रेक आया, फिर मुकदमा में डाला, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आया, फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए, बल्कि यहाँ तक भी चले गए कि इन हालात में भी जो है वो एक मुकदमे का तोहफा जो है वो दिया गया, जिसमें भी रिसेंटली जो है वो जमानत कन्फर्म हुई है, तोहीन अजीब पंजाब, तोहीन अजीब पंजाब की। तो इमरान, 4 नौकरियाँ, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। तो अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना करती। नहीं, अदालतों ने तो देखा, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सारे केस ही लड़े हैं, यानी 2 दर्जन पर्चे तो अदालतों में जा जा के पाकिस्तान की तारीख खत्म करवाए। किसी सहाफी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमे जो हुए होंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए, कमेंट्स बदलते हैं तो खत्म भी कर देती हैं, दैट इज फाइन, लेकिन वो हमने सारे मुकदमे लड़े हैं, लड़े हैं और उसी रिजीम में लड़े हैं, ना सिर्फ लड़े हैं बल्कि उसमें हमें अदालतों ने फारिग किए हैं मुकदमे। तो अगर जान होती मुकदमों में तो फिर मुकदमे में किसी में मैं अंदर हो जाता। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमाबाजी से कुछ फायदा होता है, फायदा तो कोई नहीं, कम से कम जो इमरान रियाज खान की हद तक है वहां तक तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन क्या इमरान, ये भी पहलू जो है वो कभी जेरे गौर आया कि चलो जो भी गिला है गलत सही, और जहां भी है गलत सही, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं हम कि ये गलत है, ये आई मीन वॉयलेंस और फिर इस तरह की जो मेलाफाइडीज हैं, जब आप किसी को विक्टिमाइज करते हैं और इस आखिरी हद तक विक्टिमाइज कर देते हैं, एक के बाद दूसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, 10वां मुकदमा, नौकरियां खत्म करा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, उसके बाद लीगल मेजर्स, आई मीन किस लिए? यार मैं जो भी हूँ वो बाई चॉइस तो नहीं हूँ ना, बाई फोर्स इसको मैं तो ये नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता था, पर्चे दे दे के इधर घुमाओ उधर घुमाओ। तो आज भी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आज़ादी के साथ, और मैं आईन और कानून के दायरे में रह के बात करना चाहिए, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है, कभी आज तक लीगल बात, मैंने आपको एक बात क्रॉस नहीं हुई कही थी जब पहला पर्चा हुआ था कि अली आपको मेरी वजह से कभी अदालत में ये शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि ये काम मैंने गैर कानूनी किया। मुझे याद है ना, मैं किसी की निजी जिंदगी पे कभी कीचड़ उछालूंगा, आपको ये शर्मिंदगी कभी नहीं होगी, ना मैं कभी वो लाइन या बाउंड्री से बाहर निकलूंगा जो आईन और कानून की है। आइन और कानून के अंदर अगर नहीं पसंद आइन तो बदल दें भाई आइन, मैं उसके ऊपर बात कर दूंगा, अब जो है आइन उसी पे बात करूंगा ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद ये शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई कि आपको कहीं पे वो चीज डिफेंड करनी पड़ी हो जो मैंने इलीगल कर दिया या गैर आइनी, ऐसा कभी नहीं हुआ। अदालतों के सामने हमेशा जो है वो सारे हकायक, सारे हालात, सारी तफसीलात, सारा मवाद कानून की और आइन की रोशनी में रखा। तो मैं आइन और कानून के मुताबिक अपना बोलने का हक मांगता हूँ इस अदालत में, जहाँ आप वकील है नंबर, इस मुल्क में बढ़िया डालते हैं, मैं तो जब से आया हूँ इंतजार कर रहा हूँ कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे और कौन बुला के मुझे ये हक दे कि आज के बाद अगर तुम आईन और कानून में रहोगे तो कोई तुम पे दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं करना तो वही चाहता हूँ, चाहता ही है और क्या। एक ऐसी मनफी खबर जो है जो कि बिल्कुल हकीकत के बरक्स थी वो भी चला दी उससे, बल्कि मेरे लिए जो है एज ए लॉयर ये और चैलेंजिंग केस बन गया, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े कि मैं, उन्होंने कहा जी इमरान खुदा न खास्ता इमरान जो है वो जिंदा नहीं है। अली मैं एक सीरियसली एक बात बताऊं, वो ऑप्शन आसान थी, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, यानी अगर मेरे से पूछे कोई कि क्या आसान था तो वो आसान था। I understand, वक्त बहुत मुश्किल था,
बहुत ज़्यादा, एक एक लम्हा जो है वो आई मीन दैट कैन नॉट बी इवन इमेजिन, दैट दैट इज़ द ऑनेस्ट थिंग, दैट इज़ द वे. मैंने हमने मुश्तरका प्लान किया था अपना बाजी वगैरह के साथ, मेरी बेगम के साथ वादा किया हुआ था, हमने भी बड़ी दुआएं मांगी हैं, कोशिश तो अपनी जगह पे की है, दुआएं भी मांगी हैं, उम्रा करने जाना है, अल्लाह का शुक्र अदा करने जाना है उसके लिए भी, और बाजी तो वैसे भी खासकर नाराज़ हैं कि लास्ट इस समर्स में ही बच्चों के साथ वादा किया था, भी रह गया था, उम्रा वो भी साथ जाएंगे. हाँ इंशाल्लाह बारक तआला, तो जल्दी जो है वो इंशाल्लाह बारक तआला प्लान करें. अभी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ ये तो आपको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम, हमें ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब भी ट्रैवल करेंगे अपनी स्वीट विल पे करेंगे, अपने लेजर के साथ करेंगे, हम पे कोई कानूनी पाबंदी जो है वो नहीं है. और अगर कभी हमें पता लगा कि हमारा ECL, PNIL, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वॉच लिस्ट या हमें PCL में नाम हुआ, तो हम अदालतों से रजू करके वो करवा लेंगे. तो अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो कम से कम उम्रा करने के जाने का तो प्रोग्राम है कि नहीं, एज सून एज पॉसिबल हाँ चले जाएंगे. तो क्या ये तासर दोबारा तो नहीं आएगा? मैंने ये नियत भी की थी कि मैं उम्रा करने जाऊंगा इंशाल्लाह, बार बता ना. मैंने नियत की, मैं रमजान में उम्रे पे था, उम्रे से फिर मैं चला गया, मुझे घर वालों ने वहां से भिजवा दिया दुबई. वहां मेरा जो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहां भेज दिया कि इसको वहीं टिकाओ. हाँ, आई रिमेंबर दैट. तो मैं उनसे पहले वापस आ गया, वो उधर ही रह गए. हाँ बिल्कुल ऐसे. मैंने कहा तुम्हें इधर रहना, इधर रहो, मैं चाह रहा हूं. मेरा बुनियादी तौर पर मकसद सवाल पूछने का ये था कि इस बार भी अगर करें तो भाई ऐसा तो नहीं करेगा कि मैंने फौरी वापस जा रहा है, उम्रा वापस आएंगे. तो इमरान, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं इसमें तो कोई चैनल जो है वो फौरी तौर पर जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगा. सो अपनी जिम्मेदारियां जो है, मेरा तमाम चैनल्स को मशवरा है कि अभी मुझे नौकरी ना दें. यानी कि चैनल्स के लिए आसानियां जो है वो रखनी चाहिए. अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करे और मुश्किल पैदा करने वालों को अल्लाह ताला हदायत दे. मैं तो यही अल्लाह रहम फरमाएगा. इंशाल्लाह हालात बेहतर हैं और मजीद होंगे, अभी कोई इतने आइडियल नहीं है, बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं. नाज़रीन, आपने सुना कि इमरान रियाज खान ने कहा कि मुझे और कोई काम तो आता नहीं, जिस दिन ठीक हो जाऊंगा, बोलने के काबिल होऊंगा, उस दिन की जो स्टोरी होगी उसी पर सच्चाई के साथ बात करूंगा, झूठ बोलना मैंने सीखा नहीं, इसलिए सच बोलने से बाज नहीं आऊंगा. नाज़रीन, आप इमरान रियाज खान की बहादुरी के बारे पर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.